ट्रैफिक फिल्ट्रेशन करना, तो इसके लिए भाई इससे बेस्ट मशीन मुझे कोई नहीं लगती है। मतलब अंडर 200 सीसी मुझे इससे बेटर हैंडलिंग किसी बाइक की नहीं लगती है। ये भाई ये देखो, ये देखो, ओ भाई, मतलब इंसान तो भाई इससे मर सकता है भाई, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है एक्सीडेंट का। तो जितने भी कावासाकी ओनर्स हो, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भाई ये तो, एंड व्लॉग में उसे भी ले लूँगा अभी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज अपन वैम को निकले हैं भाई लेकर ट्रैफिक फिल्ट्रेशन करने, बट सबसे पहले भाई बाइक में डलवाना पेट्रोल। देख सकते हो फ्यूल जो है बिल्कुल ब्लिंक कर रहा है, एंड सर्विस के बाद तो भाई बाइक बहुत स्मूथ चल रही है। एंड आज जो अपन करने वाले हैं वो है एक स्ट्रीट रेस। तो वीडियो पर भाई पूरा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, सो डैट ऐसे धमाकेदार वीडियोज़ आपको देखने को मिले। एंड बहुत लोगों ने बोला वैम को लाओ, ज़ारा को लाओ, तो ज़ारा भी भाई एक दो दिन में आ जाएगी अपने पास। एक्चुअली धूप इतना ज़्यादा है, एंड दो दिन भाई ऐसा बारिश हुआ है, मतलब जिस दिन मैंने बाइक को सर्विस कराया एंड उसके अगले दिन दोनों दिन भाई बहुत ही जम के बारिश हुई, इवन आज भी बारिश हुई है दोपहर को, तो ऐसा हाल हो रखा है। एंड अभी जल्दी से पहुँच रहे पहले पेट्रोल पम्प, यहाँ पर कराते हैं भाई टंकी फुल। किधर गई भाई, चलो यही लगा देते हैं। तो अभी बाइक में हमने फ्यूल अप करा लिया एंड 1000 रुपये का फ्यूल आया, मतलब 9.33 लीटर्स। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई इतने में फुल कैसे हो गया। और ये देखो भाई निंजा लेके भाई थोड़ा क्रेज़ी होता जा रहा है। वैसे जब अपने हाथ में वैम्प होती है तो भाई ट्रैफिक फिल्ट्रेशन में तो पूछो ही मत। तो गाइस कितने लोग ना बाइक में वैम्प में अभी आप लोग मिस कर रहे हो एग्जॉस्ट नोट को, अगर आप लोग भाई कमेंट डाउन करोगे तो मैं इसमें फिर से एग्जॉस्ट डाल दूंगा जो लगी पड़ी थी इसमें, सेम वही वाली, क्योंकि उसका साउंड मुझे बहुत ही प्यारा लगता था एंड वो ना बिल्कुल सूदिंग था, एक्स्ट्रा नहीं था कुछ भी। एंड कहीं भी मैं उसे राइड करने टाइम कभी भी उससे इरिटेट नहीं हुआ था। ये देखो यार बस वाले बीच ब्रिज पे रोक देते हैं भाई। मुझे ना इससे सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता ना, इसका हैंडलिंग बहुत ही कॉम्पैक्ट है, एंड साथ ही साथ कहीं भी भाई अगर ट्रैफिक फिल्ट्रेशन करना तो इसके लिए भाई इससे बेस्ट मशीन मुझे कोई नहीं लगती है। मतलब अंडर 200 सीसी मुझे इससे बेटर हैंडलिंग किसी बाइक की नहीं लगती है, मतलब मैं V3 V4 दोनों की बात कर रहा हूँ। मुझे देखो V3 का भाई आप सबको पता है ज़्यादा पसंद है, क्योंकि V3 ना और भी थोड़ा कॉम्पैक्ट सी है, एंड इसमें जब USD फोक्स लग गए तो इसकी वजह से USD की वजह से थोड़ा सा हैंडल इसका वाइड भी है एंड थोड़ा अपलिफ्टेड की तरफ है, जिसकी वजह से ना अगर आप थोड़ा ट्रैफिक फिल्ट्रेशन ज़्यादा करोगे ना तो वहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। यार अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मतलब 5:15 बजने वाले हैं, देखो यार धूप कितना ज़्यादा है। और तो आजकल पटना का जो वेदर है ना बहुत ही प्यारा, ओ भाई क्लोज कॉल, पटना का जो वेदर है बहुत ही प्यारा हो रहा है एंड साथ ही साथ भाई लग रहा है एकदम आउट ऑफ पटना वाला फील, क्योंकि क्लाउड्स जो है ना वो इतने प्यारे हो रहे हैं एंड सनराइज़ सनसेट तो पूछो मत। सनराइज़ तो वैसे मैं देख ही नहीं पाता क्योंकि मैं सोया रहता हूँ, बट सनसेट भाई बहुत ही प्यारा हो रहा है आजकल पटने का। ओ, ओ, ओ भाई ये भाई स्लो कितना क्यों चल रहा है, ये देखो यार क्या प्यारा नज़ारा है एंड क्लाउड्स देखो। आई होप कि GoPro ना थोड़ा बहुत दिखा रहा हो आप लोगों को, क्योंकि GoPro में बहुत कुछ होता है जो जस्टिफाई कभी नहीं हो पाता है, बहुत सारे ऐसे व्यूज़ होते हैं। ओ भाई यार निंजा 300 ना मुझे सीरियसली बता रहा हूँ एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी बाइक। अगर आप लोग कावासाकी की बाइक परचेस करना चाहोगे सो दिस इज़ द मिनिमम सीसी जो आपको ओन करना पड़ेगा वो है निंजा 300, क्योंकि इंडिया में मिनिमम निंजा 300 ही आती है कावासाकी की। तो आप सबको पता यार कावासाकी अपने पहले 250 भी लाया था नेकेड वाली, बट वो डिसकंटिन्यू हो गया यार, बहुत सारी बाइक से कावासाकी की जो डिसकंटिन्यू हो जाती है एंड मार्केट में भाई इसका डिमांड बढ़ता ही जाता है। ना मतलब बाइक को मैं 100-115 अभी लेके आएगा इस, तो मेरे को बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि बाइक 100+ जा रही है, क्योंकि 100 का जो मतलब
विंड ब्लास्ट होता है ना वो एकदम नॉर्मल सा हो गया जब से मैं Z900 को राइड कर रहा हूँ। तो यही सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपको एक्सपीरियंस मिलता है राइड करने से। अगर आप जितना ज़्यादा बाइक राइड करोगे, जितना हाई पावर राइड करोगे, उसके बाद आपको जो नॉर्मल बाइक्स होती है वो आपको थोड़ी ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगेगी, मुझे जहाँ तक लगता है। ये देखो भाई FZ250 लेकर आ गया भाई अपना, फुल पावर में आज सारे। बट धूप उतना ही ज़्यादा है यार, मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा धूप होना भी सही नहीं है, बट अपन इतने धूप में भी निकल जाते हैं आप लोगों के लिए व्लॉग करने, बट आप लोग प्यार बहुत कम दिखा रहे हो यार, थोड़ा सपोर्ट चाहिए गाइज आप लोगों का। देखो मुझे ना ज़्यादा कुछ नहीं, बट बस ऐसा चाहिए कि जितने लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हो, बस एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके एंड एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाओ, सो दैट मोटिवेटेड रहूँ एंड उसके बाद वीडियोज़ अपलोड करूँ अच्छे अच्छे और भी ज़्यादा ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ आए। एंड देखो अभी मेरा प्लान हो रहा है इस पर राइड करने का, शॉर्ट राइड में ही कुछ अपन अच्छा प्लान करेंगे। उफ़ भाई गर्मी, बोलते बोलते ना गला सूख गया आजकल, पता नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रखा है यार, मतलब बाइक हो या कार हो, मैं मतलब मोस्टली कार में देख रहा हूँ VIP नंबर्स का। ये सामने देखो क्रेटा का नंबर 1111, और आजकल मुझे ना मोस्टली सारे कार का नंबर कुछ ऐसे यूनिक यूनिक सा दिख रहा है, जो भी नए परचेज हो रहे हैं उसका मैं बता रहा हूँ। चलो भगाते हैं थोड़ा, इसका जो राइड का स्मूथनेस है ना, मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ मुझे भाई मेरी Z900 भी नहीं लगती, एंड साथ ही साथ अगर बात करते हैं MT की अपनी जो ज़ारा है वो भी नहीं लगती। तो इसका जो सबसे बेस्ट पॉइंट है, ये मुझे सबसे ज़्यादा स्मूथ क्यों लगती है, वो है इसका क्विक शिफ्टर, जो इसकी राइड को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देती है। तो भाई मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था एक ओनरशिप रिव्यू बनाऊँगा इस बाइक के ऊपर प्रॉपर, बट आप लोग ना भाई, आप लोग को चाहिए नहीं यार, आप लोग कमेंट करोगे तब तो भाई, अगर बिना कमेंट किए मैं बना दूँ तो फिर लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे देखना ही नहीं क्यों दिखा रहे हो ये चीज़। बट अगर आप लोग को चाहिए, आप लोग का मन है, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि यार R15 मॉन्स्टर एडिशन चाहिए ख़रीदना है, तो आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोज़ में कि R15M मॉन्स्टर एडिशन डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो अभी आपको सिर्फ R15V4 ही मिलेगा मार्केट में। तो मॉन्स्टर एडिशन के लिए तो भाई अब आप कहीं जुगाड़ वगैरह है, आप कहीं पर स्टॉक बचा तो लगा सकते हो तो मिल जाए शायद, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलने वाला। ये देखो स्प्लेंडर लगे बिना मतलब का भाई, ये देखो ये पूरा साफ बन रखा है बीच रोड पे, अरे वाह भाई वाह वाह, सही जा रहा है भाई, एक तो रॉन्ग लेन में चला गया। ये वाला जो रोड बन गया ना बहुत ही अच्छा हो गया, अदरवाइज यहाँ पे ना बहुत ही नैरो लेन था। पता नहीं यार मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली क्यों चला रहा हूँ बाइक को, मतलब मेरे जो टायर्स है ना उस पर मैं कुछ ज़्यादा ही आजकल भरोसा कर रहा हूँ। ऑल दो लास्ट टाइम भी जब मैं वैम चला रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही कॉर्नरिंग्स पे मज़े आ रहे थे, हो सकता है एक वेटेड बाइक के बाद अगर मैं एक लाइट वेट बाइक चला रहा हूँ तो इसका ये मेन रीज़न हो सकता है। लाइक एंड रील्स वगैरह के लिए भी भाई एक दो रील्स सोच रहे हैं शूट कर ले अपन, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत कम अपन अपडेट दे पा रहे हैं, बहुत ही कम पोस्ट कर पा रहे हैं, तो ट्राई करते हैं एंड उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। भाई अभी अपन यहाँ से निकल ही रहे थे, कुछ अपने जो फैमिली मेम्बर्स आ गए तो थोड़ा फ़ोटो शोटो हो गया, एंड अभी भाई सबको छोड़ के मैं कहाँ जा रहा हूँ इसे बाइक को लेके, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ खुद से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीधा जा रहे हैं एयरपोर्ट। एक्चुअली सडनली कॉल आ गया हमजा का, एंड वो मेरा स्टोरी चेकआउट कर रहा था, मैं यहीं पर था तो उसने बोला कि भैया अगर आप फ्री हो तो आ जाओ थोड़ा एयरपोर्ट। ये भाई ये देखो, ये देखो, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग, मतलब जो Ninja 300 के साथ प्रॉब्लम है, मैंने बहुत बारी ये चीज़ फेस किया है। आप ये देखना थोड़े ही देर में वॉबलिंग, और ये सबसे बड़ा इसका रीज़न है इसके टायर्स, मतलब बाइक में कॉस्ट कटिंग करने के लिए इसमें टायर्स जो डाले हैं वो है MRF के, जो कि बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है इस बाइक के लिए, एंड बिल्कुल भी यार मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि उस स्टॉक टायर्स पर आप बाइक को ज़्यादा टॉप एंड वगैरह तो बिल्कुल भी मत लेके जाना, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम करती है। तो अभी अपन सीधा पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट, मैं बिल्कुल पास में था एयरपोर्ट के ज़ू के सेकंड वाले गेट पे, तो अपने राइट हैंड साइड में देख सकते हो इधर ज़ू है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में इधर आपको देखने को मिलेगा पटना एयरपोर्ट। और ये देखो भाई, ओ भाई, मतलब इंसान तो भाई इससे मर सकता है भाई, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है एक्सीडेंट का।
तो जितने भी कावासाकी ओनर्स हो, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भाई, ये तो कभी भी ट्राई मत करना ये चीज़। ये चीज़ तो है यार, ट्विन सिलेंडर इंजन का जो मज़ा है ना, वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही स्मूथ है। एंड बात करते हैं अगर अपन इसके कंपैरिजन में ड्यूक 390 को राइड करते ना, तो उसमें ना इतना स्मूथनेस नहीं है, उसमें थोड़ा लाग है एज़ कम्पेरेबल टू निंजा, इसमें बिल्कुल भी लाग नहीं है, ये देखो। और साथ ही साथ इसका RPM मीटर जो है वो बिल्कुल स्मूथली जाता है। तो अभी शायद हमजा को पता भी नहीं है कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, एंड व्लॉग में उसे भी ले लूँगा अभी। मैंने ना उसे एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पे बुला लिया, क्योंकि अभी फिर अंदर जाओ घूम कर आओ, तब तक वो यहाँ आ ही जाएगा। आई गेस कि अभी तक शायद वो नहीं आया है। ये तो आ चुका है इधर सामने खड़ा, एंड इसको अभी हम लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, बहुत सारे रील शूट करवाएंगे इससे, तो ये जब ये वीडियो देखेगा तभी से समझ में आएगा। सेम अभी तुमको पकड़ के ले जा रहे हैं, अभी बहुत सारा रील शूट करना पड़ेगा तुमको। अरे मैं तो बोला ना कि आपको देखा स्टोरी है वाला, चलो इसीलिए तो मैं आ भी गया तुरंत। किसका है गाड़ी? बस अपना ही समझो। उस पर तो बैठ नहीं पाते, अच्छा वो उसको लेकर नहीं आए। चलो चलो, तो फाइनली इसको पिक करके अपन आ चुके हैं यहाँ पे। एंड भाई इन लोग को पता भी नहीं है मैं किसे पिक करने क्या क्या करने क्या, देखो ये लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला बाइक की चाबी तो बस एक शॉर्ट्स पेन लेके आ रहे हैं, एंड सारे बाइक से ही लगे पड़े। सीधा इसको दिल्ली से लेके आए हम लोग, रील बनवाएंगे इसी से आज, सीधा इसको दिल्ली से उठा कर लाए। बजट हाई हो गया, देख लो बजट हाई है, आज अच्छे से रील बनना चाहिए बस, ठीक है? बहुत हाई बजट है। चलो बिल्कुल इसको लगाया जाए। टिकट का प्राइस बता दे क्या? टिकट का प्राइस बता दे क्या? भाई ने 2 घंटे पहले टिकट लिया, सोच लो कितना पैसा देकर आएगा। तो भाई अब देखो, बाइक तो अपनी गंदी है, कुछ कर नहीं सकते, इसी पे थोड़ा बहुत रील शूट कर लेंगे, थोड़ा बहुत इस पर कर लेंगे, साफ़ करके लाया भाई पूरे। तो बस आज की वीडियो कितना रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थंबनेल दिल्ली से बुलाया भाई को रील शूट। वाह देखो थंबनेल के टाइटल है ना, क्या यार कैसा कंटेंट क्रिएटर, तो थंबनेल टाइटल में डिफरेंस ही नहीं समझता है। अभी तुम ऊपर से आए हो ना, तुम्हारा थोड़ा हैंग हो गया है। तो मिलते फिर अगले ब्लॉग में गाइस, अंटिल देन बाय बाय गाइस एंड राइड सेफ। काफी टाइम से 4 महीने से तो कार में ही घूम रहे हैं, बस मोटो व्लॉगर से कार व्लॉगर हो गए थे, लेकिन व्लॉग भी तो सही से नहीं डाल रहे हो यार ये। हाँ, हफ्ता महीना दिन में 2-3 अब आएगा।